नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बोदमास रूल या गणित का रूल। बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही रोचक रूल है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको 5 मिनट में सीख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अपने 5 मिनट मैथ रूल में ऐड किया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इन 6 अंग्रेजी अक्षरों को याद करना होता है, जो निम्न प्रकार से हैं: BODMAS, बोदमास रूल। यहाँ पर हम आपको पेंसिल का सहयोग से बताएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ इसको गणितीय संक्रिया में लिया जाता है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ऑफ का, यहाँ पर ऑफ का गुणा मतलब ब्रैकेट का गुणा, ब्रैकेट का सॉल्व आप समझ सकते हैं। डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट पहले आपको करना होगा। सबसे पहले होता है रेखा कोष्टक होता है। रेखा कोष्टक आप ऐसे बनाते हैं, ऐसा रेखा कोष्टक एक रेखा होता है जो क्वेश्चन के ऊपर होता है, उसको सॉल्व किया जाता है सबसे पहले उसको। फिर एक छोटे कोष्टक भी होता है, फिर मंझला कोष्टक भी होता है, और बड़ा कोष्टक होता है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, फिर मंझले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। नियम को यहाँ समझें, जब हम सवाल को देखेंगे तो सबसे पहले हमें चिन्हों पर गौर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया है, छोटे कोष्टक है, छोटे कोष्टक में क्वेश्चन है 3.4, 3-4 है छोटे कोष्टक में, सॉरी, +2 / 10 × 9 - 2। यहाँ सबसे पहले कोष्टक के अंदर के भाग 3-4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग वाले चिन्ह के जुड़े संख्याओं को हल करने के पुनः मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ने की क्रिया, बाद में घटाने की क्रिया करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया गया है, इस पर आप गौर करें। छोटा कोष्टक है, उसमें 6-9 है, इंटू में 10 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 3 दिया गया है। सबसे पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6-9। -9 बड़ा है, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, -3 आंसर आएगा। फिर इंटू का चिन्ह पहले से लगाया कोष्टक के बाहर, उसका 10 / 3, यहाँ पर बराबर लिखेंगे, इक्वल टू, कोष्टक टूटेगा तो कोष्टक के बाहर जो दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं, तो -3 में 10 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना होइए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया है और डिवाइड दिया है, डिवाइड का इसमें डिवाइड पहले किया जाता है, यहाँ पर बात कोष्टक की है। कोष्टक जब टूटता है तो उसका पहले सॉल्व होता है, तो यहाँ पर -3 और 10 का गुणा होगा, -30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा लास्ट में, फिर इक्वल टू, 30 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, आंसर आएगा 10, चिन्ह रहेगा माइनस, आंसर आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज माई नेम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।